हेलो अस्सलाम वालेकुम, हुश केल दिनिस का मतलब यही है, हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो क्या हाल चाल? मेरी तबीयत तो ठीक है, आप लोग ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। और ये है अब्दुल जब्बार और ये है शारिक। तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं तुर्की की सड़कों पे, सॉरी साइप्रस की सड़कों पे जाते हुए आइसक्रीम लेने, आइसक्रीम या कुल्फी व्हाटएवर जो भी है और वो लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी खामोशी, ऐसा लग रहा है मैं वापसी वो गाँव वाली साइड पर आ गया हूँ, कोई शोर शराबा नहीं है। बट सुबह सब काम पे गए हुए और कल ईद है, ये चांद रात है, ठीक है। तो बस अभी जाते जाते इंशाल्लाह एडवांस में ईद मुबारक बोलना चाह रहे। तो मेरी तरफ से भी पूरे पाकिस्तानियों लोगों को, टोटल सबको ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। और इंशाल्लाह ये मैं आज रात को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। लंबे लंबे बाल लगता है, मुस्लिम है पर लंबे लंबे बाल लगता है, ये हमारे गांव पे हराम होता है। ये अलग ही चल रहा है, इसकी दुनिया ही अलग है मेरे ख्याल से। अभी देखो शारिक व्लॉगिंग करेगा, शारिक के लोग व्लॉगिंग करो, तुर्की में व्लॉगिंग करो, पहले हाथ तो हटाओ। अच्छा हटा लिया। हाँ चलो, हाँ बोल कुछ, अपने तारुफ बता, अब तुर्की में तारुफ बता। Ben kimim? Ne kon? तो मैं शारिक हूँ ना, तू बताएगा ना हमारे को क्या बता, उनको बताना, उन लोगों को बता। नसल सिम से फुल्ला इस सर हो पता है चप्पल इन वो खबर हो गए ये गाइस ये गाइस ये सस्ती गाड़ी आ रही है। चलो अभी बंद कर, 5 करोड़ की गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग आ गए मार्केट, ठीक है। तो हमारे साथ एक और बंदा भी मौजूद है इस टाइम, अब्दुल गफ्फार साहिब। ये बड़ा मेरे को बोल रहा था मैं ब्लॉगिंग करूंगा, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे, अभी हमारे साथ व्लॉगिंग करेगा। व्हाट ब्रदर, टेल मी व्लॉगिंग ना, ये व्लॉगिंग नॉट व्लॉगिंग। अभी देखो मैं सोचता करा, तो यार हम लोग अभी मार्केट से निकल गए, तो सैफुल्ला ने मेरे शूज पहने, उसके पेन आए हुए, तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे, ख्वार हो गए, वापस घर जा रहे। बस तू देख ना, तो यार अभी हम लोग जाएंगे, इस चप्पल पहनेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट, फिर आपको आगे मिलते, सही है ना? लेने जाना है हमने। हाँ स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच लेनी है इससे। भाई मार्केट में है, मैं थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ ले लेते। अब्दुल जब्बार को कुछ, अब्दुल जब्बार ये ले लें, एकदम पिंकी लगेगा, एकदम बच्चों वाली जगह पे आ गए कसम से। वेलकम बैक भाई, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं चाय पीने, तो ये बैठे हुए, ये बड़ा खूबसूरत सा एक कप है,
और ये छोटी सी चम्मच है, दिल कर इसको तो जेब में ही डाल के चप्पड़ कर, मजाक नहीं कर, ये पाकिस्तान नहीं है, चप्पड़ नहीं कर सकता हूँ अभी। अच्छा है, चेक करो स्टार्ट है। भाइयों वहाँ चाय तो मैंने पी नहीं, चाय कम दवाई ज़्यादा लग रही थी मेरे को, तो बस अभी ये देखो ये आए परफ्यूम की दुकान में, तो जाके यहाँ पे परफ्यूम लेंगे। तो वेलकम बैक, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आए हम लोग फिर से पेंट शर्ट लेने, तो पेंट शर्ट लेंगे। वहाँ तो समझ नहीं है, यहाँ पे हो सकता है अब्दुल जब्बार को समझ आ जाए, तो अभी वेट करते हैं जवार का चेंज करके निकलेगा, अभी चेक करेंगे कि कैसी लगती है उसकी पैंट। कम बैक भाई, ये गंदी और कुत्ती गर्मी में ख्वार होते हुए घर की वापसी हो रही है हम लोगों की। जो हम पैंट लेने वाले थे वो 700 रुपए की थी, यानी कि पाकिस्तानी कितने रुपए भाई? यार 8,500 रुपए एक पैंट मिली। 8,500 रुपए की अभी भैंस की टंग, 6 पैंटे, 3 ट्राउजर, 3 और 7-8 शर्टे लेके आया हूँ, कोई 5,000 रुपए की। अगर 7-8,000 की यहाँ पे मैंने वो लेनी थी तो मेरे को वैसे ही बेच देता, मैं इसके लिए अच्छी खासी चीज़ें ले आता, लेकिन उस टाइम इसको पैसे ही नहीं बेचने थे मेरे पास। क्या पता था मुझे, मैं समय सब कुछ महंगा हो गया। हाँ, सब कुछ इसकी मर्जी है। तो बस अभी जाते जाते घर की ओर जा रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा। एर्दोगान की मेहरबानी है। हाँ बस तैयब एर्दोगान की मेहरबानी है भाई, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो एर्दोगान फिर भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए वहाँ पर पाकिस्तानी में महंगाई करते हैं तो चीज़ें और महंगी हो जाती है और तनख्वाहें और कम। यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि यहाँ पे अगर महंगाई हो रही है तो तनख्वाह भी बढ़ रही है साथ, यानी कि इक्वल चीज़ें चल रही है, ऐसा ही है। हाँ तो इसीलिए जो है ना हमको तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में चाहिए। हमको पता नहीं है हम किस साइड जा रहे हैं, घर भूल चुके हैं मेरे ख्याल से, ये सारे अब्दुल जब्बार की मेहरबानी है। ये जाते जाते जाते, और कल है ईद, तो आज ये चांद रात का व्लॉग है। चांद रात पाकिस्तान में ऐसी होती है, बिल्कुल शांति है, देख अच्छा। कोई मतलब किसी को घंटा फर्क पड़ता है यहाँ पे चांद रात है, ऐसी भी कोई चांद रात होती है। रमजान रोजे वोजे नहीं रखते, बस ये लोग खुश होते ईद है। ईद में क्या करते है, समंदर जाते हो तो हर रोज ये लोग जा रहे थे रात को, तो मैं इंशाल्लाह कल जाएंगे हम समंदर, कल जाएंगे व्लॉग भी वहाँ बनाऊंगा मैं, प्रॉपर व्लॉग्स बनाएंगे कल आएगा। बस इसको मैं वीडियो एडिटिंग करना सिखा दूंगा, मैं व्लॉग रोज बनाऊंगा, इसको एडिटिंग के लिए दे दिया करूंगा, बोलूंगा तू एडिट कर दिया कर, मैं सिर्फ बनाना चाह रहा, लेकिन एडिटिंग करना मेरे को वारे नहीं पड़ता, मज़ा नहीं देता। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं आगे जाके नहीं बात करूँगा, घर में जाके बात करूँगा, तब तक के लिए वहाँ मिलते हैं। वेलकम भाई, तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारी केबल हो गई है, यहाँ पे कहीं फंस गई है, चोरी हो गई है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये मोबाइल है मेरा बंद हो जाएगा, एंड्रॉइड मोबाइल है, ठीक है। तो अभी ये तुर्की वालों को बताएगा ये अफार के क्या बोलना चाहिए। तम telefon aşağı düştü. Telefona hiçbir şey olmadı ama kablosu gitti. Abi to gitti şimdi. Ne de o kişi bak ki dinle bana kim gitti. Ya 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 gitti şimdi. Ben şey patlı kız. Abi ne bulundu? Ben bulundu. Bu kadar da bu kadar galak var. Sen kabit abi bana ne bulundu? Abi ben bu kadar çok kötü bay. मेरे को केबल ढूंढ के देनी है। अरे ऑटो यार आगे करो, मिशन शुरू कर। चलो रे जरी गप्पा रहा काका। ड्राइंग रूम में है क्या? किस दरवाजे में है? अभी फिर से सही करो। अगर बैग के अंदर मिला उधर है, उधर है, उधर वो ये वो वाला नहीं, वो छोटे वाला तो वो रहा उधर है, उसके
इसमें छह दफ्त अच्छा था टेलीफोन सही के शायद जिंदगी दाने दे दतार ना दे दाने दे सही ये देखो ये मेरे को बुनेर में किसी ने बड़ा खूबसूरत सा एक पठानी रुमाल दिया अच्छा मुझे इधर 5 रुपए के मिलते हैं बस जितने का भी मिले लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए तो ये मैं अपनी जबान को गिफ्ट दूंगा थैंक यू सो मच यार थैंक यू ये चश्मे में शारिक को दूंगा चश्मे पे तो तेरे को तो कल इतनी सारी चीजें दी थी किधर दी थी भाई मैं गरीब ये ले गाइस चाहिए लेकिन घूमनी होनी चाहिए गिफ्ट है मुझे दे मुझे दे मुझे दे हाथ में नहीं है लेडीज रिंग है ये दे तो ये कौन सा लड़का है क्या बटवा तो वो कागज को लेके कोई के अंदर बंदा कागज रख इतना बड़ा बैग उसके ये को बड़ी शो है गाइस ये ले तेरे लिए मास्टर है कम बैक यार केबल तो नहीं मिली अब्दुल जब्बार भी बड़ा थक गया मिली केबल नहीं मिली नहीं मिली केबल कहीं और से मिल गई चलो अभी तो व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है तो मैं अभी व्लॉग हाँ बोल भाई तू क्या कर रहा है व्लॉग एंड कर रहा हूँ और क्या अच्छा मैं जो चली जाता हूँ 10 दिन के अंदर डेली व्लॉगिंग कर मैं जो आईफोन XS मैक्स दूंगा ये देख चल सही है मेरी मांग तो हाँ ये देख अपना XS मैक्स तुझे दे दूंगा सही है ना पक्का देख ले 10 दिन डेली व्लॉग कर सही है ना ये 10 दिन व्लॉग करने के लिए बोल रहे हैं आईफोन एक्स मैक्स XS मैक्स ठीक है डेली व्लॉग करेगा डेली डेली कुछ भी व्लॉग करूँ कुछ भी सही है कुछ हफ्ते बाद नहीं तो हर रोज हफ्ते बाद ही डाल होते हैं ऐसे नहीं भाई डेली हर रोज हर रोज 10 दिन भाई देखो अभी अच्छा मेरा अब्दुल गफार सही साथ दे रहा है ठीक है भाई सही हम लोग ये शारिक भी देगा अब्दुल जब्बार तू भी देगी साथ मैं भी दूंगा लेकिन तू करना मैं व्लॉग करूंगा ठीक है लेकिन इधर ही करना पड़ेगा इधर ही होना 10 दिन के लिए व्लॉग का चैलेंज मिल चुका है तो कल से जो है ना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट है प्लीज लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो ढेर सारा प्यार दो बाय बाय टेक केयर ये तुर्की में बोल चाहे शारिक तुर्की में बोलेगा शारिक बिजे ताकि मैं दिनता हूँ अबोन ओलुन अबोन अबोने ओलमाज सच जी खिरार तो धमकिया दे रहा है मेरे ख्याल से लग रहा है मेरे को चलो हाफिज बाय 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 बाय।